हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ई इनवॉइस कैसे बनाएं, वो भी एक्सेल में। दोस्तों, GEPP टूल जो था उसमें 10 या 20 आइटम्स के ऊपर आप इनवॉइस नहीं बना सकते हैं, ये लिमिटेशन है। बट एक्सेल में बनाने से क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने भी आप आइटम आप ऐड कर सकते हैं और इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, कैसे इसको डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे फिलअप करें, सारा प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सीधा चलते हैं हम ई इनवॉइस के पोर्टल पे और आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे बल्क जनरेशन टूल को आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये जो पोर्टल है यहाँ पे आपको देखिए कोई लिंक अवेलेबल नहीं मिलेगा बल्क जनरेशन डाउनलोड करने का, जो ई इनवॉइस का पोर्टल है आप देख सकते हैं अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दूसरा मेथड दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो सीधा हम चलते हैं google.com, गूगल खोलेंगे अपने गूगल बाबा और यहाँ पर टाइप करेंगे बल्क जनरेशन टूल। और जैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के साथ साथ ये जो पहला लिंक आएगा ये डायरेक्ट आपको डाउनलोड डायरेक्टरी में ले जाएगा और यहाँ से जाके आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अवेलेबल है, जैसे कि फॉर्मेट भी है तो भी अल्टरनेटिव मेथड भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा URL, यहाँ पे टाइप करेंगे /others /others बल्क जनरेशन टूल्स TOOLS, ध्यान रखना है टूल्स। और जैसे ही हम टाइप करके एंटर करेंगे ये डायरेक्ट आपको डाउनलोड डायरेक्टरी में ले जाएगी और यहाँ से आप फॉर्मेट बी को डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ से फॉर्मेट बी को डाउनलोड कर लेता हूँ, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट फॉर्मेट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी टू यूज़ है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्चुअली मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा फॉर्मेट बी, ये फॉर्मेट बी है, ये देखिए इसको फॉर्म बी भी कहते हैं, फॉर्मेट बी ये डाउनलोडेड है। तो नेक्स्ट प्रोसीड्योर जो है मेरा, सीधा हम चलते हैं एक एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे, एक डेटा फाइल क्या है, इसमें सारा इन्वॉइस डिटेल रहेगा, जो भी इन्वॉइस का डिटेल है सीरियल नंबर से लेकर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ हम लोग यहाँ पे पहले ही टाइप करके रखेंगे ताकि सुविधा हो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है पहले सीरियल नंबर, नेक्स्ट आपको फिर लेना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आ गया HSN कोड, उसके बाद में आ गया क्वांटिटी, उसके बाद में आ गया यूनिट, उसके बाद में यूनिट प्राइस, उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद में GST का रेट आपको पुट करना है, उसके बाद में SGST का अमाउंट जो आ रहा है वो पुट करेंगे, उसके बाद में CGST का अमाउंट वो पुट करेंगे, और अगर IGST है तो IGST करेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, आइटम का टोटल, दैट मीन्स टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, इसको प्लस करके जितना टोटल आता है वो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो सभी के लिए ऐसा कैलकुलेशन रहेगा, मैं यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ एज अ डेमो। आप देख सकते हैं इनवॉइस का वैल्यू मेरा निकल के आया 2596, तो ध्यान रखना है 2596 इज़ द वैल्यू, और इसी डिटेल्स के आधार पर हम बाकी फिलअप करेंगे फॉर्मेट बी में। तो चलिए सीधा चलते हैं फॉर्मेट बी में और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस डाटा को फिट करेंगे और ई इनवॉइस हम जनरेट करेंगे। तो ये रहा फॉर्मेट बी, यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी है डिटेल पुट करेंगे, सबसे पहले सेलर GST डिटेल्स हो गया, उसके बाद में एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, लोकेशन हो गया, ये सारा पुट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और नीचे में आप देख सकते हैं प्रोफाइल डिटेल्स आ रहा है, आप अगर एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए जैसे रिवर्स चार्ज या फिर ई वेबिल डिटेल्स हो, ऐसा कुछ पुटअप करना है तो आप उसको यस करेंगे तो वो ऑप्शन एनेबल्ड हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको एनेबल नहीं करता हूँ क्योंकि वो अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, जस्ट मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ कि कैसे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा आप चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि नेक्स्ट टैब में। अब नेक्स्ट टैब में हमें क्या करना है, ई इनवॉइस सिस्टम, यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है जो टाइप ऑफ जो भी इनवॉइस है, B2B है, टैक्स इनवॉइस है, डॉक्यूमेंट का नंबर है, डॉक्यूमेंट डेट है, उसके बाद में बायर का GSTN हो गया, बायर का लीगल नेम हो गया, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद में पिन कोड, लोकेशन, आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू बैठाना है, जो आपका इनवॉइस का टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ बैठाना है, और फिर SGST का वैल्यू जितना टोटल था वो बैठाएंगे SGST में, और CGST का टोटल वैल्यू बैठाएंगे आप CGST में, और लास्ट वाले लाइन में आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू, मतलब इनवॉइस का जो टोटल वैल्यू है वो बैठाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा हमारा काम। ये देखिए ये मैच कर रहा है, 2596 मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये सही है।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब जो है वो आइटम टैब है। अब हमें आइटम टैब में क्या करना है, सारे आइटम्स को पुट करना है, फिट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इनवॉइस आइटम सीट। आइटम सीट में आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, टैक्स इनवॉइस, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का डेट, सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, यूनिट प्राइस, ग्रॉस अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, GST रेट, SGST अमाउंट, CGST अमाउंट और लास्ट में होगा लाइन टोटल। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो डेटा सीट में बनाया था वो एज इट इज़ ऐसा ही है। अब क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा कॉपी पेस्ट करने में। अब हम डायरेक्ट उस एक्सेल फाइल में जाएंगे डेटा सीट में और वहाँ से हम पुट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं उस सीट में जाता हूँ और वहाँ से कॉपी करके सारे डेटा को यहाँ पे पुट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पुट करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा डेटा सीट। यहाँ से सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1 से ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए मोर देन 20 आइटम्स यहाँ पे है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा, 22 आइटम्स ले रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल आप कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में पेस्ट होगा, ऊपर पेस्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस सेक्शन को, सीरियल नंबर, और यहाँ पे सीरियल नंबर को हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में आ गया फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में आ गया HSN कोड, HSN कोड को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, बस कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते जाना है। यहाँ से क्वांटिटी मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी पुट कर दिया। उसके बाद में यूनिट, ये रहा यूनिट, मैंने कॉपी किया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर आ गया यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस मैंने यहाँ से फिर उठाया, ये कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी हो गया। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ से सारा का सारा टैक्सेबल वैल्यू हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आ गया आपका GST रेट, GST रेट को भी एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया SGST अमाउंट, SGST अमाउंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद CGST अमाउंट कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। और लास्ट बचा आइटम टोटल, उसको भी कंट्रोल सी करेंगे और लास्ट लाइन में इसको पेस्ट कर देंगे। लास्ट लाइन, चलिए मैं सीधा लास्ट लाइन में ले चलता हूँ। ये लास्ट लाइन में मैंने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए, ये कॉपी पेस्ट मैंने लगभग सारा कर दिया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो था इनवॉइस का टाइप उसको भी कॉपी करेंगे और पूरा में फिलअप कर देंगे, और डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, उसको भी हम पूरा कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये टैक्स इनवॉइस है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया और इसको नीचे तक लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये डायरेक्ट पेस्ट हो गया। फिर आ गया डॉक्यूमेंट नंबर, इसको भी कंट्रोल सी करके नीचे तक लाके इसको कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट हो गया। फिर आ गया डॉक्यूमेंट डेट, इसको भी पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हो गया। तो ये हमारा दोस्तों डेटा सीट रेडी है। जस्ट अब इसको हमें क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। तो इसको वैलिडेट कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम चलेंगे आगे वाले सीट में, जो हमारा इनवॉइस का सीट था, पहला वाला सीट जिसमें मैंने पुट किया था इनवॉइस का डिटेल। यहाँ देखिए दोस्तों, एक बटन आ रहा है वैलिडेट, आप देख सकते हैं ऊपर में एक वैलिडेट बटन आ रहा है, उसमें हमें क्लिक करना है वैलिडेट पे। तो जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप मैसेज आएगा, ये देखिए डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिपेयर जेसन, ये एनेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जेसन फाइल को क्रिएट करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से एक पॉपअप आएगा, ये देखिए डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स जेसन फाइल क्रिएट हो गया। कहाँ पे क्रिएट हुआ, ओके करने के साथ साथ दिखेगा, ये देखिए ये लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे जेसन फाइल क्रिएट हो गया है, दैट मीन्स ये रेडी टू अपलोड है। अब इस जेसन फाइल को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ई इनवॉइस का पोर्टल लॉगिन करेंगे और वहाँ अपलोड करेंगे और इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो ये जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है, आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। या ये रहा जेसन फाइल, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लॉगिन विंडो में जाएंगे, वहाँ जाके लॉगिन करके इसको सिर्फ अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद में वहाँ से हमें इनवॉइस को डाउनलोड कर लेना है। तो ये जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो कुछ तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए,
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।